सके बोला साल का शो है ये डिबेट्स और गेम्स का फ्लो है ये जहाँ हर बात है डायनामिक फ्रेश पर्सपेक्टिव सब फैंटास्टिक बैटल ऑफ द बेस्ट लेट्स बिगिन द क्वेस्ट लाइव इन डिस्कशंस नो टाइम फॉर रेस्ट सके बोला साल सबके बीच अ फाइट अ कंपेरिंग इश्यूज लेट्स इग्नाइट बैटल ऑफ द बेस्ट लेट्स बिगिन द क्वेस्ट लाइव इन डिस्कशंस नो टाइम फॉर रेस्ट सके बोला साल सबके बीच अ फाइट अ कंपेरिंग इश्यूज लेट्स इग्नाइट Skills your degree, kaun sa hai zaruri? Online ya traditional, shopping ka hai theory? Classrooms ya e-books, pahai ka hai rang? Work from home ya office, kis taraf hai hum sab? Battle of the best, let's begin the quest. Lively these discussions, no time for rest. Sake bora san, sabke beech a fight. I come burning issues, let's ignite. हर एपिसोड में रंग हर बात में है जान साथी बोर आसान ये शो है मैदान हम है रेडी तुम भी हो रेडी लेके आए टॉपिक्स जो कर दे स्टेडी Battle of the best, let's begin the quest Live in these discussions, no time for rest Sake bora san, sake beach a fight A conglomerate issues, let's ignite Heart of a best, let's begin the quest Live in these discussions, no time for rest Sake bora san, sake beach a fight A conglomerate issues, let's ignite Har apne rang, har baat the best Welcome to the show, battle of the best हर बात है बेस्ट वेलकम टू द शो बैटल ऑफ द बेस्ट ओ हो 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 ओ हो हो हर बात है बेस्ट वेलकम टू द शो बैटल ऑफ द बेस्ट हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो दिस इज योर वेरी ओन आरजे साकिब रजा वंस अगेन विद बैटल ऑफ द बेस्ट जनाब हम आ गए एक बार फिर जुमेरात की शाम आपसे मुलाकात होती है आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं बताइए लिसनर्स कैसे मिजाज हैं आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे A1 सुपर कूल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे बैटल ऑफ द बेस्ट हर जुमेरात की शाम 8 से 9 जारी रहता है और आप बेसब्री से इंतजार करते हैं तो हम आ गए वापस एक बार फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर और जो हमारा टॉपिक होता है आज क्या टॉपिक होने जा रहा है वो भी आपको पता चलेगा आज का टॉपिक क्या है आप हमसे किस तरह जुड़ सकते हैं ये बताने के लिए मेरे को आरजे है ना तो मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा हमारे साथ मौजूद है आरजे एस एन इकबाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो वंस अगेन जनाबे आली कैसे मिजाज हैं आपके वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे मैं भी फिट फाट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मजे में एकदम बम्बाट और सुनाएं बाड़ ये कमाल आता है थैंक यू सो मच साकिब रजा आप सुनाएं क्या हालचाल है कैसी आपकी वीक की स्टार्टिंग हुई है मिड ऑफ द वीक में हम आ चुके हैं बल्कि ऑलमोस्ट एज ऑफ द वीक में हम आ चुके हैं अगर हम वर्किंग वीक की बात करें इसके बाद तो फिर वीकेंड पार्टी और यू नो बस मजे हमारे लिए तो बिस्तर ही इंपॉर्टेंट होता है यार सो जाते हैं हफ्ते इतवार की जो शब होती है सो के एंजॉय करते हैं सुबह देर तक हम जो है वो उठते हैं और अम्मा की वही के इतनी जो है वो देर लगा दी सोने में और अब नाश्ते का कोई फायदा नहीं है खाना खा लेना और समथिंग लाइक दैट सब कराची वालों के साथ तो ये मामला बहुत ज्यादा ही रहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है जन्ना आप बताएगा कि आप लोगों को ऐसी बातें संडे को सुनने को मिलती हैं कि नहीं मिलती मेरे ख्याल से ये भी एक संडे का फन होता है जब अम्मा आगे उठाती हैं और इस तरह की सलावातें सुनाती हैं ये पूरे हफ्ते सुनने को नहीं मिल रही होती पूरे हफ्ते तो अलार्म बजता है और उसके बाद हम ऐसे मशीन की तरह चल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने कोई थोड़ा बहुत बैठ के अपने आप को वक्त दे दिया तो लिसनर्स मुझे आपको बताना था क्या वही बात करने का तरीका 0330866 बात करने का तरीका अरे आप परेशान क्यों हो गए मैसेज करेंगे तो हमसे बात ही हो जाएगी अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने कहा पता नहीं लिसनर्स को आप सिखाने आ गए इतने बड़े उस्ताद ना 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 हमको क्या आता है साकिब रजा साहब जब आप मौजूद है तो हम ये वाले काम नहीं अरे अरे नहीं नहीं सीखने सिखाने वाले काम हमें नहीं आते हमसे मस्तियां करवा लो फन करवा लो दैट्स इनफ फॉर अस 0330860072 और facebook.com/naisubah इंस्टीट्यूट ये दो ज़राए हैं जिनकी मदद से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वैसे आप आपके दिल हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं बट आप जो है वो दूसरों को भी ये तरीके बता सकते हैं कि आपने अपने हमारे शो का फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं हमें बैटल ऑफ द बेस्ट
तमाम जो शोज़ हैं उनमें बेस्ट चल रहा है अब तक, और आप तमाम लिस्टर्स इसे जो है वो आगे भी बेस्ट बनाते रहेंगे। साकिब रज़ा, रबी लवल का महीना स्टार्ट हो गया है और आई थिंक रबी लवल के महीने में जो हमारे मुसलमानों की अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, रिलीजियस अटैचमेंट है, वो इस महीने से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इस महीने की मुनासबत से, बिल्कुल इस महीने की मुनासबत से मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हम अगर इस महीने की मुनासबत से जिस पर्सनैलिटी को जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, उनकी आमद को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं सारी ज़िंदगी, और उनका जो बेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ मुझे लगता है वो ह्यूमन राइट्स लगता है। सो व्हाट अबाउट योर थिंकिंग अबाउट इट कि हमें आज ह्यूमन राइट्स में हम लोग किस कदर पीछे हैं, या इंसानी हकूक के मामले में किसी इंसान के हवाले से हम जो दर्द मंदी का जो एहसास है उसके हवाले से हम क्या उनकी जो टीचिंग्स हैं उनके मुताबिक हैं, या हमें वी हैव टू वर्क अलॉट? बिल्कुल, वी हैव टू वर्क अलॉट, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें, और आपने बहुत अच्छा किया कि इस मौजू का इंतखाब किया कि हम बात करें, और रबी अलव्वल के महीने का आगाज़ हुआ है तो हम चाहते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स हम कवर करें ताकि हमें पता चले कि हमें हमारा दीन क्या दर्स देता है और हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दर्स देते हैं, उनकी क्या सुन्नतें हैं। और ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा आजकल की लाइफ में, तो मैं समझता हूँ कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम एक दूसरे का दिल भी दुखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आगे बढ़े, हम हमारा नाम हो, बाकी जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। मुकाबला पॉजिटिव वे में तो चलता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हद तक आगे निकल जाते हैं, आप बस चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरी चीज़ें आगे बढ़ें, मेरी दुकान चलती रहे, तो इस तरह की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है एहसन इकबाल, मैं चाहूँगा कि इस पर मज़ीद बात करें। बिल्कुल जनाब, मुकाबले का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले का हक मार जाएं। आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसका नाम होता है उसको हम देखें तो हमें आप सल्लम की जो सीरा है उसमें ह्यूमन राइट्स की जब भी बात करेंगे तो हमें ये बात मिलेगी कि अपना हिस्सा किसी को दिया जाए, ना कि उसका हिस्सा भी अपने हिस्से में डाल लिया जाए। तो इसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी वायलेशंस हमारे यहाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ घर घर में जनरेशन गैप के नाम पे वालदैन से जिस तरह का सलूक हो रहा है, आई गेस ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, मुझे भी जब मैं कभी इसको सोचने बैठता हूँ। और बाकी हमारी सोसाइटी का जो पूरा प्रॉपर ऑर्डर है, फैमिली ऑर्डर है, उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है ये सारा मसला। ठीक है, आपके अपने वालदैन से उसूली इख्तलाफात हो सकते हैं, जनरेशन गैप के नाम पे आप जो मर्जी कह लें, आपके करियर को लेके, आपकी पसंद की शादी को लेके, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट आपके वालदैन यकीन कीजिए अल्टीमेटली उन्होंने आपकी खुशी में ही खुश होना होता है। तो ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करके उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए, ये बात सोचते हुए कि आपने भी उनकी उम्र में आना है, और हमारे जो अपने वालदैन हैं इनके हमारा जितना बड़ा जनरेशन गैप है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका हमारे साथ डबल हो जाएगा इसके साथ, जिस तरीके से जिस एडवांसमेंट के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा कीजिए कि आज जिसके साथ जैसा बर्ताव करेंगे कल को हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। तो आई थिंक ये वाला मसला आप आसानी से सॉर्ट आउट। ये चीज़ हम सड़कों पर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि पहले मैं जाऊँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक है, लोग ट्रैफिक से घुस के चले जा रहे होते हैं, मतलब ना वेट होता है उनसे, ना इंतज़ार होता है, सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, ना उसूलों की पासदारी है, डिसिप्लिन प्रॉपर आउट है। जिसका दिल करता है जहाँ गाड़ी पार्क करके चले जाता है, जिसका दिल करता है वो अपना ठेला वहाँ लगा लेता है, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें चलनी है, रियासत को फॉलो करना है भी, और रियासत इतनी मुश्किल बन जाती है ना एक आम आदमी के लिए जो पैदल जा रहा है, उसके लिए बीच में इतने हर्डल्स आ जाते हैं, ठेले खड़े हैं, पार्किंग, मतलब आपकी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, बस मतलब जो चलने वाला बेचारा है वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है, आप तो गाड़ियों में सीधा रोड से निकल जाते हैं। अच्छा, गाड़ी से एक और बात याद आई साकिब, कि रिसेंटली मुझे सुना और मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि पाकिस्तान की रियासत में, हमारी स्टेट में, हमारी सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है कि एक मुझे एक दोस्त ने बताया कि हमने एक जा रहे थे एक जगह पे, तो रास्ते में एक्सीडेंट देखा और एक्सीडेंट के पास लोग जमा हुए थे, तो जमा होने के बाद जब एक्सीडेंट से मतलब एक मुंतशिर होता है पूरा मजमा, जब हट जाता है तो पता चला कि जितने भी एक्सीडेंट में एक खातून का जो पर्स था वो खाली हो गया, मर्द की जो जेब थी वो खाली हो गई। जी जी जी, दैट्स इट। मतलब मुझे लगा कि शायद वो सब लोग हेल्प करने के लिए उनके पास जमा हुए होंगे या कुछ इस तरह का सीन होगा। बिल्कुल, आजकल इसी तरह की चीजें चल रही है, और इसके आप बाकी पहलू भी तो देखें ना, क्या क्या हो रहा होता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं इस तरह का मामला है, कोई लड़ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग वीडियोस बनाने आ जाते हैं, मतलब लगाते हैं। आप भाई उस मामले को ठंडा करें, आप हेल्प करें, उस नज़रिए से आप आएँ, लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ हो रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आके तमाशे बना रहे हैं, तमाशा ही बन के खड़े होते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, सबको हाइप क्रिएट करने का एक जुनून सवार हो गया है, जिस चक्कर में हम किसी की प्राइवेट लाइफ नहीं देख रहे, किसी का कुछ नहीं देख रहे, एहसास नहीं देख रहे। यार ईद आती है, हम बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के सूट्स लेकर शॉपिंग करके स्टेटस लगाते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इतनी सिदात नहीं रखते, तो उनके उनके दिलों पर या उनके बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब इतने ब्रांडेड चीज़ें लेके हम पहुँचते हैं। वेल, इसके बहुत सारे पहलू भी हैं और इसमें बात भी कर सकते हैं, बट कम अज़ कम मेरे हिसाब से इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने किस हद तक नुमाइश करनी है और किस हद तक नहीं करनी। ठीक है, आप तमाम लोगों को हक है, हर बंदे को हक है कि वह लग्जरियस लाइफ गुजारे, किसी ने मना नहीं किया उसे, लेकिन ह्यूमन राइट्स इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि आप कम अज़ कम दूसरों के जज्बात को मजरूह ना करें। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल, गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, एक गाना सुनते हैं, इसके उस पार मिलते हैं, अभी वापस आते हैं। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ चुके हैं एक जबरदस्त खूबसूरत थड़कता फड़कता हुआ गाना सुनकर। साकिब रजा भी हो गए हैं, चार्ज हमने कर लिया है अपने आप को बेहतरीन तरीके से फ्रेश, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कशन करनी है, फाइट करनी है, बैटल ऑफ द बेस्ट में आप मौजूद हैं। बैटल ना हो ऐसे नहीं हो सकता, इंटेलेक्चुअल बैटल की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्बैट फाइट नहीं होने वाली यहाँ पे। साकिब रजा ने मुझे मारना नहीं है और मैंने साकिब रजा को छोड़ना नहीं है, ओ मतलब बहरहाल कुछ भी कह सकते हैं। लिसनर्स, आप सुन रहे थे बैटल ऑफ द बेस्ट का पहले लिंक में ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ कन्वर्सेशन, और ह्यूमन राइट्स को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पिछले शोज हैं हमारे, उसमें जो हमारे जो कंपैरिजन चल रहे थे, हमारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे पॉइंट्स को आप लोग जो है वो इंकरेज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होगा, नेक्स्ट हमारा शो होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, या नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन होगा, या नेक्स्ट हमारी बैटल होगी, कितनी सारी चीज़ें नेक्स्ट 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 हो गई ना। सो साकिब रजा मुँह छुपा के हंस रहे हैं, साकिब खुल के हंस लें प्लीज़। नहीं नहीं, असल में फिर लिसनर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, आप अच्छा हंसते हैं यार, नहीं कोई मजाक उड़ाने वाला आपका। वेल जनाब, आज हम साकिब रजा से पूछते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये नेक्स्ट 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 जो मैंने किया है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, और जितना हम नियर टू द लोकल इशूज़ या नियर टू द पब्लिक, जो जो पब्लिक डे बाई डे फेस करती है इशूज़ को, या जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, चेंजिंग्स आ रही हैं, उनको हम किसी तरीके से कंपेयर करें, ताकि जो अगर कुछ पुराने लोग हैं जो थोड़ा पीछे रह गए हैं चीज़ों को अडॉप्ट करने के हवाले से, वो बेनिफिट्स जानकर जो है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, और जो लोग ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, ज़्यादा ही जो पिछली चीज़ें उनको बुरा भला कहने लग गए हैं, या पीछे रह जाने वालों को जो है वो अच्छा नहीं समझते, अपने से नीचा समझते हैं, तो उन्हें भी बताया जाए कि पीछे जो चीज़ें थी उनके भी बड़े फ़ायदे थे जनाब। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उनके कंपेरिजन के अंदर दोनों के बेस्ट पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं। साकिब रजा, आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है जिसे हम पूरी एनर्जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, और मेरा और आपका होने वाला है फड्डा? आज का टॉपिक है जनाब ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिजिकल क्लासेस। हमने आते के साथ ही जब हम ब्रेक पर थे तो चाय पीते हुए हमने डिसाइड किया कि आज का जो टॉपिक है उसमें से कौन किसको डिफेंड करेगा, तो एहसन इकबाल ने इंतखाब किया है, चूज किया है फिजिकल क्लासेस का। तो एहसन इकबाल ऐसा ही है ना? हाँ, आपने कह दिया तो ऐसा ही है। फिजिकल क्लासेस के मैं आपको इतने फायदे बताऊंगा, आप मैं कह रहा हूँ मोबाइल बेच के आ जाएंगे आज। अच्छा? आप परेशान ना हो। नहीं नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो नहीं होगा कि जाहिर है आप जीत जाए। बहरहाल आपको हमने लास्ट प्रोग्राम में बड़ी मात दी थी। अच्छा, बड़ी मात दी थी। लिस्टनर्स जरा बताइएगा 0330860072 पर और facebook.com/naisubhanshi.com पर कि साकिब रजा ने मुझे हराया था या मैंने साकिब रजा को हराया था, मतलब मसनूई जहानत जीती थी या फिर इंसानी जहानत। मेरे हिसाब से तो इंसानी जहानत बहुत आगे है अभी। ऐसा तो नहीं है, ये तो बहरल हो गया। आप आराम खाया करें ना, आपका दिमाग तेज नहीं है, तो आप ये समझ रहे हैं कि इंसानी जहानत आगे बढ़ते हैं। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास है। यस यस, क्या बात है, ये भी एक प्रॉपर मीम निकली थी हमारे शो में से और बहुत हेट होने वाली है। ओ यस जनाबे अली, आज का टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिजिकल क्लासेस। तो हम आ जाते हैं, आगाज करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में जो हमें बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि हमें जो जाना पड़ता है, यानी कि एक तो टाइम का ज़्यादा होता है,
दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है, आना जाना ये चीजें होती हैं। तो टाइम का मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बड़ा रोल है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप घर पर ही बैठे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। इस पर बात करेंगे मजीद। तो एहसन इकबाल, ये पॉइंट, ये क्या पॉइंट हुआ? मतलब साकिब रजा, बहलोल दाना कहते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, आप बगैर कुछ खोए क्या पा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब क्लासरूम के अंदर या क्लास ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपने रूम को क्लासरूम बनाकर जो पढ़ रहे हैं लोग, तो मुझे बताएं ना कितने, ये कोरोना की पैदावार है ना ये ऑनलाइन क्लासेस। तो जब से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिटरेसी रेट कितना कोई इम्प्रूव हुआ है? कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ, कोई खास बेनिफिट नहीं आए। मतलब आप मुझे बताएं कि अपने बेडरूम में बैठ के जो बंदा बेडरूम को बेडरूम समझ रहा है उससे जो है वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे दे सकता है, और वो क्लासरूम के अंदर उसे लर्निंग पॉइंट के हिसाब से कैसे उसको जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो इंसान है ना वो माइंड गेम के ऊपर बेस करता है। यानी अगर आपके दिमाग को पता है कि मैं यहाँ इंटर हुआ हूँ तो अब मैंने यहाँ पे सुकून करना है, तो लिटरली आपको वहाँ पे सिर्फ सुकून ही मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी। या तो आप अपने ही घर को, अपने माइंड को बता दो कि भाई यही मेरा सब कुछ है। तो यही आपका अगर सब कुछ है तो आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको बाहर ऐसे लगेगा कि आप किसी और जान में आ गए। यहीं पर रुकें, जैसे हम घर पर होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हम बेडरूम में क्लास लें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं तो आप कमरे में क्लास लेंगे नहीं आप अपने घर में कोई ऐसा अलग से रूम बनाएं जहाँ आप उसको मुख्तस कर लें, ये मेरा स्टडी रूम है जहाँ से मैं अपना रिसर्च वर्क करूँगा, जहाँ से मैं अपनी वर्किंग करूँगा, जहाँ से मैं कुछ लर्न करूँगा। तो वहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको बाकायदा वो फील भी आएगा और वहां पर आपकी चीजें भी ऐसी सेट होंगी कि आप खुद ही करते चले जाएंगे अगर आप बेडरूम में बैठेंगे तो। वाकई ये चीज तो है। अच्छा, मतलब मेरा एक पॉइंट प्रूव हो गया। अच्छा देखें, स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट पहले भी था, ये कोई फिर तो नई चीज नहीं हुई अव्वल तो। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि आपने क्लास को या लर्निंग मटेरियल को टेक अवे कर रहे हैं, यानी आपने दूर से पढ़ना है। आपके पास जो टीचर है वो एक डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, बट एक टेक्नोलॉजी ने उसे कनेक्ट कर दिया। देखिए, टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत सारे हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को फिजिकल क्लासेस में तरजीह देना, मैं अभी तक इसके लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ साकिब रजा, कि फिजिकल क्लासेस में जिस तरह की आपकी नेटवर्किंग होती है, जिस तरह का आपको वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है और आपको पता होता है कि एक घंटे का पीरियड या 40 मिनट का पीरियड है, इसमें जो है वो एक प्रॉपर अट्रैक्शन, और सबसे बड़ी बात जो आई कोऑर्डिनेशन या आई कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, वेल कम्युनिकेशन का बेस्ट पॉइंट होता है आई कॉन्टैक्ट। यस, आई कॉन्टैक्ट टीचर का स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा होता और स्टूडेंट्स का टीचर के साथ नहीं हो रहा होता, ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। यानी आपने मोबाइल ऑन किया, आप यूजुअली आपके सिर्फ टीचर का ही वीडियो कैमरा ऑन होता है और बाकी तमाम लिसनर्स ने ऑडियो ही ऑन की होती है और वीडियो ऑफ की होती है, तो इससे क्या होता है कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनका अपना जो फोकस होता है वो बार बार डाइवर्ट हो रहा होता है, जो टीचर होता है। अच्छा, वो इस पॉइंट को रोकें, यहीं पे मैं डिफेंड करूंगा, बोलने नहीं देते। स्टूडेंट्स हो या कोई भी, अगर सीखने वाला कोई बच्चा है, कोई जो सीखना चाह रहा है, क्लासेस ले रहा है, वो खुद के साथ सिंसेयर नहीं होगा ना, तो वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकल हो, वो कहीं पे भी नहीं पढ़ेगा। अगर मेरी आप मिसाल ले लें, मैं पढ़ता नहीं, मैं वहाँ पे जब स्कूल जाता था ना या कॉलेज जाता था तो मैं वहाँ पे शायद उतना नहीं पढ़ता था जितना मैं घर आके पढ़ता था, क्योंकि मैं समझता था कि यार इसकी इम्पोर्टेंस तो है, मुझे ये चीज़ भी सीखनी है, मुझे इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना है, तो मैं खुद आके यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करता था। अब वहाँ पे आधे घंटे का पीरियड होता था कंप्यूटर के सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे मैं उस तरह से लर्निंग कर ही नहीं पाता था। नहीं, ये तो डिफरेंट टॉपिक हो गया ना, सेल्फ लर्निंग नेसेसरी है, वो तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मतलब एक टीचर आपको कितना ही पढ़ा लेगा, कितने ही आपके सवालों के जवाब दे देगा, असल चीज़ वही है जो आपने खुद गेन करनी है, इस पे तो बात ही नहीं हो रही। ऑनलाइन क्लासेस का कोई और पॉइंट आप लेकर आएँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का एक पॉइंट मुझे पता है आप देंगे कि इससे जो है वो बचत हो जाती है, तो मतलब चले आपको मैं नया पॉइंट देता हूँ। इसमें आप लिमिटेड नहीं होते, जैसे आप कहीं स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे अगर लाइब्रेरी में कुछ 20 बुक्स हैं तो आप 20 बुक्स की हद तक ही महदूद हैं, यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड आपके पास कंटेंट मौजूद है। बंडल ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, गूगल पर इतने आपके पास ई बुक्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जहाँ स्कूल की लाइब्रेरी में आप ये कंप्यूटर रख लेना, इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब स्कूल की लाइब्रेरी में अपना कंप्यूटर रख लें तो आपके पास भी सारा एक्सेस आ जाएगा। स्कूल की लाइब्रेरी में कंप्यूटर कितनी देर तक आप यूज़ कर पाएंगे, मतलब आपको जितनी आपने फीस दी होगी
ये तो नहीं है ना कि अगर आपको कहीं रात के 10 बजे या 11 बजे रिसर्च करनी हो स्कूल का आम तौर पर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के फायदे बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के फायदे बता रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से ये रिलेटेड है ना, जाहिर है टेक्नोलॉजी मतलब ऑनलाइन क्लासेस अगर हैं तो वो बेस्ड ही टेक्नोलॉजी पर कर रही है ना सर। ठीक है चलिए आगे चलें। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं और किसी बड़े साइंसदान को पढ़ना चाहते हैं जो अमेरिका में है, या अमेरिका में अगर कोई कोर्स डिज़ाइन किया गया है तो वो यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुँच रहा है। तो टेक्नोलॉजी यानी अगेन वही ना, ऑनलाइन लर्निंग आपके लिए वो या तो आपको बुक्स वहाँ से मंगवानी पड़ेंगी, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद कस्टम पीसेस और ये और वो इम्पोर्ट होगा नहीं, तो साइंसदान लेट सपोज आप मुझे बताएं, कराची में कोई साइंसदान हो और कराची में जो है वो क्लासेस अनाउंस करे, और एक अमेरिका में साइंसदान हो वो अमेरिका में कोर्स अनाउंस करे, तो आप कराची वाले के पास जाएंगे क्योंकि उसके पास लैब भी है, वो आपका प्रैक्टिकल्स भी करवाएगा, आप मजीद क्वेश्चंस भी करेंगे, वो आपके उसको लाइव प्रूफ्स भी देगा, आपके पास वो प्रॉपर जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है जितने एसिड्स वगैरह चाहिए होते हैं जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट के आपको मटेरियल चाहिए होता है वो सब भी अवेलेबल होगा, और एक वहाँ पे बैठे हुए आपको डायग्राम्स दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव तजर्बा खुद कर रहा होगा और आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो आई थिंक इस क्लास से बेहतर तो यूट्यूब पर हज़ारों बिलियंस ऑफ वीडियोज़ मौजूद हैं, वो देखी जा सकती हैं, तो देख लेना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्लास कहाँ गई? ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही है आजकल YouTube पर, मतलब YouTube है। वाह वाह वाह, YouTube की वीडियो और ऑनलाइन क्लास एक कर दी आपने। हाँ मैं करूंगा इसको, क्योंकि जो अच्छा, लड़े जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो YouTube पर आकर सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि वो एक ऑनलाइन क्लासरूम बन चुका है YouTube। नहीं ये तो फिर YouTube तो सिर्फ सर्विंग का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप जितना ज्यादा सर्फिंग करते जाएंगे उसके अंदर आपको कॉन्टेंट मिलता जाएगा। आई थिंक YouTube सेल्फ लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म, YouTube अब आपके लिए सिनेमा भी है, YouTube अब आपके लिए स्कूल भी है, YouTube अब आपके लिए कहानी घर भी है, सब कुछ। साकिब अपना अकाउंट वकाउंट चेक कराएं, कोई पैसे वैसे तो नहीं गिरे? मुझे लगता है ब्रांड एम्बेसडरिंग स्टार्ट हो गई है लिसनर्स, नई सुबह वेब रेडियो के ऊपर जो है वो YouTube की प्रॉपर प्रमोशन हो गई है। आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि हम पर कोई इस शो के डिस्क्रिप्शन में आपको YouTube का लिंक मिल जाएगा, इस शो के डिस्क्रिप्शन में आपको YouTube का लिंक मिल जाएगा, आप जाके YouTube को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसके पास मोबाइल हो और YouTube ना हो, और YouTube और से चलाना ना आता हो। मेरा ख्याल है यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कोई गाना शामिल करते हैं, और इससे पहले कि हम कोई गाना प्ले करें, ऐसा क्या ख्याल है किसी गाने के साथ हम जाएं गाते हुए खुद? मुझे तो गाना वाना कोई नहीं आता, आप बताएं। यार वो गाना गाते हैं ना, वही देखा न था, क्या ख्याल है? चले चले चले, 1 2 3 गो। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 क्या बात है जनाब, वेल डन। हमारा शो जारी है नई सुबह वेब रेडियो पर, बैटल ऑफ द बेस्ट लगाए रखिए, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस नई सुबह वेब रेडियो पर, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है, एहसन इकबाल और साकिब रजा आपके साथ मौजूद हैं। हम लड़ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस पर, देखेंगे क्या मामला यहां से आगे चलता है, क्योंकि अब तक तो क्या सूरत हाल है वो तो आप ही बताएंगे। बहरहाल एहसन इकबाल, फिजिकल क्लासेस पर मजीद क्या कहेंगे भाई? फिजिकल क्लासेस तो एक तो सबसे पहले तमाम किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें बच्चा क्लास ले रहा होता है, लेक्चर चल रहा होता है, इतने में दरवाजा खुलता है, चल बेटा दही लाने का बोला था वो नहीं आई, तो बच्चा बोलता है यार ये क्या है, मतलब चलो ठीक है सर, सर मैं दही लेके आ रहा हूँ। और अगर माजरत के साथ किसी ने कोई सवाल करने के लिए माइक खोला होता तो पूरी क्लास को जो है ना उस बच्चे का रिकॉर्ड लगाने का, उस बच्चे के ऊपर रोस्टिंग करने का चांस मिल जाता, हाँ बेटा दही लेके आया था कल, अम्मी ने बोला था दही लेके आई हो, और मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी मीम्स आपने देखी होंगी, कोरोना में बहुत सारी मीम्स वायरल हुई थी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, यही जैसे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं टमाटर वाले की, आजकल तो वो चल रहे हैं ना
वाह टमाटर बड़े मजेदार। वेल जनाब साकिब रजा ये एक बार फिर करेंगे, आप बहुत मजे का किया था आपने। वाह टमाटर बड़े मजेदार, ये टमाटर बड़े मजेदार। फुल स्केल पे भाई बेहतरीन जनाब अली, बिल्कुल ये सिलसिला तो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत हमने एंजॉय किया इस चीज को। लेकिन मैं इसको डिफेंड इस तरह करूंगा कि आप चाहें तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चे रिस्ट्रिक्ट होके पढ़ें। वैसे भी तो आप घर पे पेरेंट्स उनको लगे होते हैं पढ़ाने में, जब ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं बच्चे या नहीं पढ़ रहे होते, होमवर्क भी तो करा रहे होते हैं ना, तो आप जो मेनली वर्क है, जो चीज़ें सिखाने की हैं, कुछ ओल्ड लर्निंग है, वो आप उसी तरह सख्ती के साथ जब बच्चों को देखेंगे मॉनिटर करेंगे तो आप पढ़ा सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल आपका ये पॉइंट वैलिड है कि पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना होगा कि वक्त के साथ साथ जब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर उन्होंने फिजिकल क्लासेस ली हैं तो मे बी उनके बच्चों को फिजिकल क्लासेस ना लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल दाढ़ी वाले टीचर के साथ। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कमाल है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी साथ साथ। मैं समझता हूँ कि हम बीच की राह निकालते हैं। मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, लेट सपोज आपकी जो कोचिंग की क्लासेस हैं, जिसमें अगर हम बात करें ट्रेनिंग्स जिनको हम कह सकते हैं, लेट सपोज कुकिंग क्लास हो गई आपकी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्लास हो गई जिसमें कोचिंग रिक्वायर्ड है, या साइकोलॉजी की कोई आपकी क्लास हो गई जिसमें क्लास हो गई जिसमें थेरेपीज वगैरह या समथिंग लाइक दैट, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो वहाँ आप फिजिकल क्लासेस को प्रेफर करें जितना आपके इन्फ्लुएंस में हो। हाँ, अगर आपके इन्फ्लुएंस की कोई चीज़ नहीं है, आउट ऑफ इन्फ्लुएंस है फिजिकल के हिसाब से और ऑनलाइन वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको वो करनी चाहिए। और जो थ्योरेटिकल क्लासेस जितनी भी हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आप सेल्फ हेल्प के लिए कोई ना कोई क्लास ले रहे हो, तो आई थिंक आपको फिर ऑनलाइन क्लास की तरफ ही जाना चाहिए। आपने तो कंक्लूजन कर लिया तकरीबन, तो हम बस मेरा ख्याल है कि अब ब्रेक मतलब कुछ रहा ही नहीं। वाह भाई वाह, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। यू डिड इट वंडरफुल। तो क्या ख्याल है हसन इकबाल, कुछ और हो जाए? हाँ हाँ कुछ सुनाए यार, बहुत अच्छा होगा, कोई शायरी सुना दे आज। नहीं शायरी आप सुना दें भाई, हम कहाँ, हमारा क्या ताल्लुक है साकिब रजा शायरी से? मुझे कौन सा कोई गम लगा है, मेरा कोई ब्रेकअप हुआ है क्या मतलब? चले कुछ अशार मैं सुनाता हूँ, कुछ ऐसे से सुन लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे, और फिर आपके कमेंट्स भी हैं, बहुत सारा फीडबैक हम तक पहुंचा है, वो भी शामिल करना है। तो कुछ अशार जनाब, हम जो तुमसे मिले हैं इत्तफाक थोड़ी है, ऐसा इकबाल मिलके तुम्हें छोड़ दें मजाक थोड़ी है, अगर होती तुमसे दोस्ती एक हद तक तो छोड़ देते, मगर हमारी दोस्ती का हिसाब थोड़ी है। भाई वाह क्या बात है। अब तुम ढूंढोगे, भाई अगला शेर भी तो सुने, अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब, ये दिल की आवाज है किताब थोड़ी है। भाई वाह, यानी शिकवे के बाद जवाब शिकवा बनता ही नहीं है। थैंक यू सो मच साकिब रजा, बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप और बहुत मज़ा आया यार। मैंने ना अभी पिछले दिनों अपनी कोई पुरानी डायरीज़ को देख रहा था, तो मुझे अपनी कोई इब्तदाई दिनों की गज़ल मिली और मुझे अच्छा लगा, स्कूल टाइम में मैंने लिखी थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ, पता नहीं आपको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल कुछ इस तरह से थी कि तकल्लुफ़ नहीं हम नवाई थी वो, तकल्लुफ़ नहीं हम नवाई थी वो, भरी भीड़ में जो गवाही थी वो। आए, क्या बात है भाई, मोहब्बत की दौलत जो थी उसके पास, सरे शाम मुझ पर लुटाई थी वो। आए, आए, आए। मैं जोहदे मुसलसल समझ ना सका, जो हंस हंस के उसने सुनाई थी वो। क्या बात है भाई, क्या बात है। और इसका एक शेर कि मैं कांटों में खिलता हुआ फूल था, मैं कांटों में खिलता हुआ फूल था, कली बन के गुलशन में आई थी वो। क्या मेरे ख्याल से ये बहुत हो गया है, अब हम बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी हसन इकबाल, हमेशा की तरह रॉक और लिसनर शॉक्ड और लिसनर शॉक। अब कोई मुझसे अगर पूछेगा कि कली बन के गुलशन में कौन आई थी तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, मैंने कहा ब्रेक पर चल के फिर पूछता हूँ मैं आपसे, यहाँ पर आपने बताना है नहीं। चले शुक्र तो, इतना तो ख्याल किया आपने। लिसनर्स गाना सुनकर आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमने सुनना है एक जबरदस्त सा गाना, मिलकर आते हैं फिर मिल बैठते हैं और इसके बाद बहुत सारा फन करना है। आज कोशिश की कि कोई टंग ट्विस्टर टाइप की चीज भी हम साकिब रजा से करवाएं, देखते हैं इनकी जबान लड़खड़ाती है, स्लिप ऑफ टंग होता है कि नहीं होता, हमें कुछ मजे का सुनने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो लेट्स सी क्या होता है, हम आते हैं इस जबरदस्त से गाने के बाद, लगाए रखिए नई सुबह वेब रेडियो, बैटल ऑफ द बैस जारी है।
क्या ही खूबसूरत गाना आप लोगों ने सुना, आपको बहुत मजा आया होगा यकीनन। आप हमारे शो की पहचान देखिए कि सिर्फ मैं और साकिब रजा नहीं है, या हमारी शायरी नहीं है, या हमारी वो फजूल सी आवाज़ नहीं है, मतलब ये हमारे खूबसूरत से गाने भी हमारे शो की पहचान बन जाते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों के जो गाने होते हैं वो भी मज़े के होते हैं। ओवरऑल नई सुबह वेब रेडियो पर जो शोज चलते हैं उनमें बेहतरीन गाने आपको सुनने को मिलते हैं, खा वो जायके का सफ़र हो जिसमें आप लोग अहमर इकबाल दी ग्रेट से बहुत सारी ज़बरदस्ती रेसिपीज सुन रहे होते हैं, या फिर हमारे पास मंडे को चलने वाला शो जो इमोशंस एक्सप्रेस है, क्या ज़बरदस्त आज उरूसा का एक खूबसूरत इजाफा हुआ है इस शो को लेकर, और जो बेहतरीन तरीके से वो पूरा कॉन्टेंट प्रेजेंट करते हैं मिस अक्सरजादा और मिस उरूसा, वो एक कमाल का होता है। इसके अलावा तलाश दी मिस्टीरियस तलहा इनाम के साथ जो आप समाज फरमाते हैं वो भी एक खूबसूरत सा शो होता है, और फिर बारी आती है रॉक बैंड ऑफ द बेस्ट की जिसकी तो बात ही अलग है, और उसके बाद ऑन हो जाता है गेम विद उमर एंड अरसलान, फिर होता है वीकली बज का वीकेंड वीकेंड जब सुनो हमें सुनो। वॉल्यूम नहीं, रेडियो को वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि हमारी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जेटिक है, उनके शो में आपको रेडियो का वॉल्यूम ज़रा सा बढ़ाना पड़ता है। वेल जनाब साकिब रजा, क्या क्यों गाने के बाद क्यों वापस आए हैं हम? गाने के बाद हम इसलिए वापस आए हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं इतने जबरदस्त मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे होते हैं, तो हमने कहा कि शामिल किए देते हैं उनके मैसेजेस, वो क्या कह रहे हैं, कहां कहां से हमें सुन रहे हैं, तो फीडबैक शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाबे अली वासे चौधरी, हमें रावल पिंडी से सुन रहे हैं। ये कौन से वासे चौधरी है? ये वो वाले वासे चौधरी नहीं है, मजाक रात वाले नहीं है, ये हमारे लिसनर है, काश वो भी सुन ले। भाई मैं तो हवाओं में उड़ने लगा था, ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, ऐसा लगता बस है। ठीक है। वासे चौधरी पे आते हैं। वासे चौधरी ने क्या लिखा है, कहते हैं वासे चौधरी का मैसेज कहाँ गया। वासे चौधरी कहते हैं कि आप लोगों ने जो लास्ट शो में बात की थी ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसमें सपोर्ट करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे भी स्क्रीन दिखाए, ऐसे ही लिखा इन्होंने। वेल जनाब हम साकिब रजा पे ही बिलीव कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ऑनलाइन करवाऊँ यहाँ पर। चले जनाब अगला कमेंट पढ़िए प्लीज। अगला कमेंट हमारे पास है, सारा खान है ये सुन रही है हमें, मियां वाली में एक मेरे फेवरेट सिंगर हैं जिनका नाम है जीशान रोकड़ी, पाकिस्तान का बड़ा फखर, पाकिस्तान का बड़ा आइकॉन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके शहर से इस वक्त हमें, बहुत बहुत मजे के जीशान रोकड़ी की क्या बात है। मेरे वाले साहब के बहुत फेवरेट वो सिंगर थे, उनका एक गाना है बहुत मजे का, निक्का जे ढोला सोना जे ढोला चिट्टा जे सूट न पाया कर, एक गल मन वंजिया साडा बन वंजिया साडे शहर न आया कर। वाह 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 एहसन इकबाल, सारा खान ने हमें क्या क्या याद दिला दिया। सारा खान कहती हैं कि एक गाना मैं सुनना चाहती हूँ, अगर हो सके तो ये गाना लगा दीजिएगा। इन्होंने फरमाइश की है इश्क मुर्शिद का गाना चला दीजिए। चलें हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, अपने शो में गाना शामिल करेंगे ये वाला। अच्छा, वैसे हमारे लिसनर्स कितने दिल वाले हैं, मतलब गाने वो बहुत सैडी और दिल टूटा हुआ इस तरह के सुनेंगे और हमारे शो को इस तरह पसंद कर देंगे पूरे एनर्जी के साथ, मतलब कंट्रास्ट माइंडसेट लगता है मुझे। वेल हमारे भी कुछ इसी तरह का हाल है कि आप लोगों के साथ हम फुल कहके लगा रहे होते हैं, और हमारी प्लेलिस्ट आप देखेंगे गानों की प्लेलिस्ट तो वो आपको बहुत ही कोई मतलब क्या कहें, आप रोतू कहेंगे हमें या जो भी आप लोगों ने कहना होगा वो हम कह सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास कमेंट है मायरा वाजिद का, और ये कह रही है कि आपके शो को कोई आम बंदा नहीं सुन सकता। अच्छा? अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस वे में बात की, किस बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। हाँ, तो इन्होंने आगे बताया कि मैंने आपका प्रीवियस शो सुना था जिसमें आप लोग टीम वर्क और बिजनेस लिखा इन्होंने, तो बिजनेस की बात कर रहे थे। वेल हम बिजनेस की भी कर रहे थे, हमने मिसालें बिजनेस की दी थी, सेल्फ वर्क पे अगर हम बात कर रहे थे तो शायद इस तरह का, तो वो कह रही थी कि वो इतना हैवी था कि उसको कोई आम बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता। वेल ऐसा हो सकता है कि हमारे पॉइंट्स कोई ज़्यादा ही हैवी हो जाते हैं, समटाइम्स टेक्निकलिटी की तरफ हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। वेल जनाब पता नहीं आपने तारीफ़ की है इसका मैं शुक्रिया अदा करूँ, या अगर आपका फीडबैक थोड़ा सा इस तरह है कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा जर्नलाइज करें चीज़ों को, तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मुनीबा हमारे पास हैं, मैं बहुत जल्दी में होता ना तो उल्टे सीधे नाम निकल जाते हैं, तो मुनीबा हमारे साथ हैं जिन्हें हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा वो कहती हैं कि आप के शो का हम इंतज़ार करते हैं, और समटाइम ऐसी फीलिंग आती है जब आप लोग स्टार्ट लेते हैं तो इतना लंबा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि शायद दूसरा आरजे नहीं आया, और इससे हमें फिर एक अफसोस सा होने लगता है, लेकिन फिर सरप्राइज़ मिल जाता है। तो यही
यही बस हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम आपको सरप्राइज ही देते रहें। तो बहुत सारे कमेंट हो गए साकिब रजा यार कुछ नया करते हैं, कुछ टंग ट्विस्टर टाइप को करते हैं। अब टाइम अप हो चुका है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्यों ना करें नया। चलो फिर टाइम को थोड़ा सा रोको, एक दो कमेंट फिर डायरेक्टर हैं फिर कमेंट और पढ़ लेना यार, वरना हम लिस्टनर्स के कमेंट ही नहीं कोई। ये मेरे ख्याल से चौथा शो है हमारा, बहुत ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल जनाब, हमारे पास कुछ facebook.com/naisabainstitute पे भी हमारे पास कमेंट्स हैं, तो वहाँ भी हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास मरियम जुल्फ़िकार कहती हैं, आपका शो बहुत मदद का है, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं दी हैं आपने, अल्लाह ताला आपके और हमारे हक में कबूल फरमाए। इसके अलावा हमारे पास नजमा सईद हैं, इनको भी हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है, ख़वातीन ही हमारे शो सुनती हैं, मर्द कहाँ गए सारे। शकील अंजुम आ गए हमारे पास और इनको भी हमारा शो बहुत ही पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल लिसनर्स हमारे शो पसंद करने का, हमारे कॉन्टेंट को पसंद करने का, हमारी उल्टी सीधी मतलब फ़न मस्ती मजाक तफरी गाने बैकग्राउंड शो और क्वालिटी हर चीज को पसंद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आप कोई किसी किस्म के इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आप कोई नई सजेशन के साथ आना चाहते हैं या फिर आप हमारे प्रोग्राम में वैसे ही अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, हमारी जबान से आप पूरी दुनिया को अपना नाम सुनवाना चाहते हैं, लिख भेजिए 0330860072। और इसके अलावा facebook.com/naisabainstitute पर आप हमें जो है वो अपने पैगाम इरसाल कर सकते हैं। हम नई सुबह वेब रेडियो के इस प्रोग्राम के तवसुत से आपके प्रोग्राम आपके नामों के साथ मिन ऑन शामिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश एहसन इकबाल। एहसन इकबाल की एनर्जी के साथ मैं भी अब वाइंड अप करने लगा हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे कहकहे, बहुत सारी हंसी मजाक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की आज के प्रोग्राम में भी। इस सब के बाद अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे और एहसन इकबाल को इजाज़त दीजिए, आज की हद तक इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक बार फिर, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते बैटल ऑफ द बेस्ट। तो आज खत्म हुआ लेकिन अगले हफ्ते आएंगे नई सुबह वेब रेडियो पर, और बहुत कुछ है। तो नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, मुलाकात होती है अगले हफ्ते।